सागर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रविवार को चिलचिलाती धूप में अधिकारियों के साथ राहतगढ़ वाटरफॉल का निरीक्षण किया। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर, जहां कलेक्टर सहित पर्यटन विभाग, वन विभाग, RES, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद सहित अन्य विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने वाटरफॉल का निरीक्षण करते हुए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द वाटरफॉल का काम पूरा करने को निर्देश दिए। यहां के काम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाटरफॉल में बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था सहित रेस्ट हाउस, गेट, पार्किंग, व्यू पॉइंट आदि पर जल्द से जल्द काम पूरा करें। राहतगढ़ में इतने सुंदर वाटरफॉल बनेगा कि सागर तथा संभाग भर से लोग इसे देखने के लिए आएंगे। बरसात का मौसम लगभग शुरू हो चुका है, पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है, इसलिए जल्द ही कार्य पूर्ण किया जाए। पिछले कार्यकाल में राहतगढ़ तथा वाटरफॉल को सुंदर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिससे राहतगढ़ क्षेत्र की तस्वीर बदल गई और जो कमी रह गई है वह भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। वाटरफॉल में कैंटीन, रेस्ट हाउस के साथ साथ कॉटेज भी बनाए जाएंगे ताकि पर्यटक यहां रुक भी सके। राहतगढ़ का वाटरफॉल सुंदर तो होगा, इसकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना ना हो। सागर जिले के लोगों के लिए यह बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा जहाँ लोग पिकनिक तथा घूमने के लिए आएंगे। इस अवसर पर मंत्री ने राहतगढ़ वाटरफॉल प्रांगण में वृक्षारोपण किया। अधिकारियों ने मंत्री को चल रहे कार्य की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक, जिला पंचायत CEO PC शर्मा सहित वन विभाग के अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। एक सेकंड बस फोटो जल्दी बनना, अच्छा बनना है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है, कई सालों से इसकी देख नहीं हुई थी। पिछले 5 सालों में हमने इसमें बहुत काम कराए, आप देख सकते हैं, यहाँ रेस्ट हाउस भी है, यहाँ कैंटीन है, यहाँ हट्स हैं, यहाँ व्यू है देखने के लिए, पार्किंग है, बच्चों के खेलने का स्थान भी बनाया जा रहा है, बहुत सारे काम हमने कराए हैं। लेकिन आचार संहिता लग गई, बीच में विधानसभा के चुनाव आ गए, उससे काफ़ी काम रुक गए थे। अब जैसा मैंने हमेशा कहा कि सुरखी विधानसभा का विकास का पहिया फिर दौड़ेगा, उसका प्रथम चरण हो चुका है, अब द्वितीय चरण शुरू होने वाला है। और अब हम इसमें इको टूरिज्म से कुछ, अपने टूरिज्म से, RES से कुछ, हम अपनी विधायक निधि से जहाँ जैसा बनेगा वो पैसा दे रहे हैं ताकि बहुत कुछ स्थान यहाँ और सुंदर बन जाए, ताकि यहाँ पूरे ज़िले के अलावा संभाग का आदमी, बरसात का सीज़न आने वाला है, बच्चों के साथ आए, घूमने के लिए आए और अपने परिवार के साथ अच्छा दिन बिताए। आज हमने कुछ नई चीज़ें ले रहा है यहाँ, जैसे फेंसिंग ले रहा है यहाँ, एक गेट ले रहा है यहाँ, एक व्यू पॉइंट ले रहे हैं पूरा का पूरा। एक दो जो है ना, यहाँ आप लोग मंडला गए हो तो रास्ते में फॉरेस्ट विभाग के दो बढ़िया से सुंदर से हट पड़ते हैं, उसमें हम यहाँ दो ऐसी व्यवस्था करवा रहे हैं कि यहाँ रुकने की व्यवस्था भी चालू करवाने का प्लान है हमारा, ताकि कैंटीन में खाना खाया आदमी रेस्ट हाउस में रुके, वो प्राइवेट रुकना चाहे तो प्राइवेट भी रुके, ये सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। आपको एक साल के अंदर यहाँ बहुत सुंदर काम दिखने लगेगा। भैया पहले आपको अवगत कराया था, बीना नदी यानी का डैम बनेनी घाट पर कुछ मिट्टी का पड़ाव वगैरह डला है, बारिश आने का संभव है। वो मैंने दिखवाया है, जल्दी जल्दी वो, अगर विभाग की गलती हो तो विभाग पे कार्रवाई होगी और ठेकेदार गलती हो तो ठेकेदार पे कार्रवाई होगी। काम लगेगा पर जल्दी, अच्छा काम लगेगा। उसमें क्या है भैया, बीना नदी बिल्कुल पुर जाएगी है। वो मैंने ही मंजूर कराया था, उसको हम दिखवा रहे हैं कहाँ गलती थी, उसको बुलाएंगे हैं मीटिंग में, उसको अधिकारी को बुलाएंगे, ठेकेदार को बुलाएंगे, जिसकी गलती होगी उस पर रिकवरी निकलेगी। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। हमारा नंबर है 7898922699।
9109200503।